कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एक बार फिर जेल से लाइव आकर एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया है। दोनों इंटरव्यू में लॉरेंस का हुलिया पूरी तरह बदला हुआ है। 14 मार्च को जेल से लाइव में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने बाल दाढ़ी बड़ी हुई थी। 3 दिन बाद दोबारा लाइव आने पर लॉरेंस बिश्नोई के बाल छोटे दिखाई दिए। जेल से दोबारा लाइव आकर शुक्रवार शाम दिए इंटरव्यू में लॉरेंस ने अपने जीवन का एक ही टारगेट बताया है, फिल्म एक्टर सलमान खान को मारना। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई शुक्रवार देर शाम एक बार फिर एक चैनल पर जेल से लाइव आकर इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है कि उसके जीवन का एक ही टारगेट है, फिल्म एक्टर सलमान खान को मारना। उसके अलावा और कोई टारगेट नहीं है, सिर्फ उनकी गार्ड हटा दो, पुलिस वाले हटा दो, बाकी हम पब्लिसिटी लेना चाहते हैं। सलमान खान के साथ सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ जाने की वजह से मारने का मौका नहीं मिल पा रहा है। पुलिस से लड़ना नहीं है, इसकी निजी सिक्योरिटी को तो देख लेंगे। जिस दिन सलमान खान के साथ पुलिस वाले नहीं मिले या हटा लिए गए, वो अपने प्लान को पूरा करने की कोशिश करेंगे। लॉरेंस ने कहा है कि 20 साल से सलमान खान ने अड़ियल रवैया अपना रखा है, अभी भी अगर सलमान उसके समाज से माफी मांग ले तो मामला खत्म हो जाएगा। लॉरेंस ने हंसते हुए कहा कि जब वह सलमान खान को मार देगा उसके बाद ही असल गुंडा बनेगा। उसने ये भी कहा है कि एक शर्त पर ही वह सलमान खान का पीछा छोड़ सकता है, जब सलमान बीकानेर में नौखा में उनके समाज से मंदिर में जाकर माफी मांगे। इसके बाद सलमान के पैर भी पकड़ सकता हूँ। सलमान का अहंकार तो रावण से भी बड़ा लग रहा है, अगर मैं उसे नहीं मार सका तो समाज को कोई और आगे आकर सलमान को मारेगा। गैंगस्टर लॉरेंस ने कहा है कि साल 2003 में अजमेर जेल में बंद था, उस समय परिजन मिलने आए थे, इसके बाद आज तक परिजन मिलने नहीं आए। गोल्डी बराड़ पकड़ा नहीं गया। गोल्डी ने मुझे बताया कि उससे किसी ने पूछताछ नहीं की, वे कभी यूरोप तो कभी कनाडा में होना बताता है, मुझे पता नहीं अभी वह कहां पर है। वैसे वो फोन पर गोल्डी की लोकेशन पूछता भी नहीं। लॉरेंस ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या का प्रयास उसने किया, लेकिन सिद्धू मूसेवाला को मार नहीं सका। गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई है, गोल्डी ही इसकी जानकारी दे सकता है। मूसेवाला गैंगवार में पड़ रहा था और हमारे भाई की हत्या करवाई थी। मूसेवाला को सलमान खान जैसा अहंकार था। सिद्धू मूसेवाला के पिता को अब धमकी हमारी तरफ से नहीं दी जा रही है। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को कोई धमकी नहीं दी गई है। बलकौर सिंह को हाल में जो धमकी मिली है उससे उसके गैंग का कोई लेना देना नहीं। उन्हें बाहर से कोई असामाजिक तत्व धमकी दे रहे होंगे, वह इतनी ओछी हरकत कभी नहीं करेगा। कुछ लोग उसका नाम लेकर पब्लिसिटी पाना चाहते हैं, ऐसे लोग सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर बढ़ाना चाहते होंगे।